देवी और सज्जनों आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीसी में, यानी कौन बनेगा करोड़पति। मैं ऋतिक रोशन का फैन आपका चरित्र जादू। आज हमारे साथ खेलने आ रहे हैं सेठ फूलचंद की अपने बेटे रईस। आइए उनका केबीसी जी यानी कौन बनेगा करोड़पति स्वागत करते हैं। आइए देखिए हमारे ऑडियंस में जानता हुआ उत्साह। आइए रईस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केबीजी यानी कौन बनेगा गरीबपति में। आइए अरे 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 रईस जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के वजह से जो हमारा शो चल रहा है, आपकी कृपा है सर। तू ही गिन ले, तू ही दे दे उनको पैसे। सॉरी सर, आप बैठो। आइए तो खेल चालू करने से पहले हम देखते हैं रईस जी की कहानी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। भारत में कितनी गरीबी है, ये गरीबी कैसे कम है और हम पे इतना पैसा है। चलो अपने पापा से पूछता हूँ, पे इतना पैसा है हम करेंगे क्या उस पैसे। पापा हम पे इतना पैसा है, पैसे का करेंगे क्या। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ऐश नहीं, किसी का भला करेंगे। वाह 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 वाह, बड़े नेक ख्याल है आपके रईस जी। तालियां। चलिए फिर बढ़ते हैं खेल की तरफ। पहले मैं आपको खेल के रूल समझा दूं रईस जी। तो आपके पास टोटल कितनी धनराशि है रईस जी? सर 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? तो क्या सर आप ये सारा पैसा हारना चाहते हो? असिस्टेंट पानी लेता है ये बेटा। गिलास कहाँ है बेटा? सर गिलास तो ओडिशन में बट गए। पकड़ो सर। हाँ तो असिस्टेंट जी ये बताओ अपने केबी जी में टोटल कितनी धनराशि है? सर 10 रुपए 36 पैसे। 10 रुपए 36 पैसे? जी सर। 10 रुपए 36 पैसे में रईस जी की 10 करोड़ की राशि ऐड कर दो। ओके सर। ठीक है जी सर। तो असिस्टेंट सर अब अपने पास टोटल कितनी धनराशि है? आज हमारे पास टोटल धनराशि जो है 10 करोड़ 10 रुपए 36 पैसे। तालियां तालियां। ओए असिस्टेंट पानी तो ले जा अपना। पानी तो पी लो। अरे ले जा पानी, इसको पानी पी लो। आइए रईस जी, तो मैं आपको खेल की लाइफ लाइन के बारे में समझा देता हूँ। अरे सर आप ये सब छोड़िए, ये सब मुझे पता है, मुझे ये अपना पैसा कैसे करके निकालना है, बस आप खेल चालू करिए। तो आइए रईस जी हम बढ़ते हैं खेल की तरफ। केबीजी यानी कौन बनेगा गरीबपति। तालियां। तो आइए रईस जी हम बढ़ते हैं खेल की तरफ। तो ये रहा आपका पहला सवाल जो 1 करोड़ रुपए आपको हराएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आपका पहला सवाल है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आपके ऑप्शन एक है नंगा नहाएगा ही नहीं, ऑप्शन दो नंगा नहाएगा नहीं लेकिन निचोड़ेगा कच्चा, ऑप्शन तीन नंगा नहाएगा लेकिन निचोड़ेगा कुछ नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही है, तो मेरे हिसाब से तो कोई नंगा नहाएगा नहीं। तो सर मैं ऑप्शन 4 को चूज करूंगा, इसमें से कोई भी नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। तालियां तालियां तालियां। क्या बात है, आप हार चुके हैं 1 करोड़ रुपए। हाँ तो रईस जी ये रहा आपका दूसरा सवाल। आपको एक गाने की झलक दिखाई जाएगी, उसमें आपको बताना है कि गायक क्या समझाने की कोशिश कर रहा है।
चलिए कंप्यूटर जी दिखाइए। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन एक, कभी दाढ़ी बढ़ाओ कभी मूछे उड़ाओ वाओ। ऑप्शन दो, लटका के झटका के। ऑप्शन तीन, जंप कर। या ऑप्शन चार, जल्लाद। ऑप्शन दो लगा दो, लटका के झटका के। क्या बात है, लटका के झटका के एकदम सही जवाब है, तालियां। तो रईस जी आप हार चुके हैं 2 करोड़ रुपए, तालियां। तो चलिए बढ़ते हैं रईस जी तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि आपको हराएगा 3 करोड़ रुपए। तो तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि अग्निपथ किस पथ का नाम है। आपको ऑप्शन एक है पथ पे अग्नि, ऑप्शन दो अग्नि पे पथ, ऑप्शन तीन पथ में अग्नि जल रही है, या ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। बताइए रईस। ऑप्शन एक अग्नि पथ। क्या बात है, अग्नि पथ बिल्कुल सही जवाब, तालियां। आपको रईस जी, आपको 3 करोड़ रुपए हार के कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? अरे अरे जी, कैसा लग रहा है आपको रईस जी? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चप्पल मारूंगा अगले शूट में, ले लियो चल। हाँ तो दोस्तों तत्काल में आई एक ब्रेकिंग न्यूज, चलिए बढ़ते हैं उस न्यूज की ओर। सुशील कैमरामैन के साथ मैं खुद। तो बढ़ते हैं दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज की ओर। एक ने पहनी टीटी की बनियान और दूसरे ने पहनी फेसी हुड। वहाँ कसम हुड वाला। फिर आपका स्वागत है केबीजी, यानी कौन बनेगा गरीबपति में। हाँ तो रईस जी आपका चौथा प्रश्न है पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। तो आपका चौथा प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि कोई मिल गया फिल्म में जादू को बुलाने के लिए ओ ओ की ट्यून कितनी बार बजती है। ऑप्शन एक 4 बार, ऑप्शन दो 6 बार, ऑप्शन तीन 12 बार, या ऑप्शन चार 14 बार। बताइए रईस जी। ऑप्शन तीन। हाँ तो कंप्यूटर जी ऑप्शन तीन को लॉक कर दिया जाए। पहले से तो आपने लॉक नहीं करवाई, ये तो बेईमानी है रईस जी। अब रकम थोड़ी मोटी हो गई है, बात की गहराई को समझो रईस जी। आपका आंसर था ऑप्शन तीन। ओहो रईस जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपका सवाल एकदम ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सारा सारा दिन तेरे बिन उड़ नहीं गुजरता यारा। सर 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 सर, अरे न्यूज़ आ गई है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। हाँ तो दोस्तों, एक ने लगाया कोयला फिल्म का काला कोयला और दूसरे ने लगाई दंगल की मट्टी। वहां की कसम, जो कोयले वाले में रौनक है वो मट्टी वाले में नहीं। हाँ तो ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। तो रईस जी बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर, जो आपको हराएगा पूरे 10 करोड़ रुपए।
अरे सर आप रखिए, ये रखिए 10 करोड़ रुपए, अब हारने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, ये बने रखिए। अब ये भी देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ मेरे बच्चे। असिस्टेंट जी सर, चलाओ ये लो तुम्हारे लिए, रखो सर मेरे लिए। हाँ आज 10 करोड़ की कमाई हुई है। अरे नहीं सर, ऐसे भर के रोज है, पेट भर के रोटी खाएंगे सर। आप तो अपने जिंदगी मरेंगे नहीं। The fucking eagle double G. Snoop Dogg.